Hey guys, welcome back to my channel. So guys, Realme ने काफी सही फोन लॉन्च किया है भाई. मतलब Realme C11 जो वो डिवाइस लॉन्च किया है काफी धाकड़ है भाई, क्योंकि जो प्रोसेसर है, डिस्प्ले है एंड जो बैटरी है, काफी सही गेम खेल लिया है Realme ने. क्योंकि यहाँ पर जो उसका मेन बात आता है प्राइस सेगमेंट पर, जो वो प्राइस सेगमेंट में वो जो फोन को लॉन्च किया है 7500 रुपीस में, जो वो फोन को लॉन्च किया है ना, काफी बढ़िया है भाई. मतलब पूरा दिल से आवाज आ रहा है मेरा कि काफी सही फोन वो इस वक्त निकाला है. क्योंकि मार्केट में जितने भी स्मार्टफोन है फिलहाल 7500 में, तो इस तरह का स्पेसिफिकेशन के साथ जो फोन कोई भी नहीं दे रहा है. सो गाइज, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या हो सकता है तो कमेंट भी कर दो भाई. बात करते हैं यहाँ पर फुल स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि जो प्राइस सेगमेंट यहाँ पर है ना, बहुत ही बढ़िया रखा गया है यार. क्योंकि 7500 रुपीस जो इसका प्राइस सेगमेंट रखा गया है ना, काफी सही है. क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिस्प्ले भी मिल रहा है, काफी बड़ा डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले हमें देखने को मिल रहा है. बट जो रेजोल्यूशन है चलेगा 720p x 1600 पिक्सल्स दिया जा रहा है. मतलब 720 पिक्सल्स रेजोल्यूशन, HD प्लस रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है. उसी के साथ यहाँ पर हमें जो अच्छा खासा एंड्रॉइड वर्जन भी देखने को मिल रहा है, जो अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन है एंड्रॉइड 10, उस पर ये रन होने वाला है. एंड उसका जो यूआई है, रियलमी यूआई पर ये रन होने वाला है. उसी के साथ जो प्रोसेसर है ना भाई, मतलब गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है यहाँ पर, हीलियो का गेमिंग प्रोसेसर है ना, हीलियो G35 वाला प्रोसेसर यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया है. बट एक चीज यहाँ पर और, एक क्या, जो रैम रोम वेरिएंट है इसका 2GB को 32GB वाला वेरिएंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक ही वेरिएंट है. एंड काफी सही यार फोन. एंड सबसे मुझे बढ़िया बोलूं क्या बात लगा ना, पीछे का जो कैमरा साइड है ना यार, काफी कूल लग रहा है भाई. मतलब पूरा आईफोन का कॉपीकैट टाइप मुझे लग रहा है. आईफोन का जो 11 है हम लोग का 11 प्रो, उसी की तरह थोड़ा बहुत हमारा कैमरा उसी तरह देखने को मिलता है, जो कि काफी कूल लगता है यार. अगर आप पीछे और एक स्क्रीन अगर चढ़ा दोगे ना आईफोन का, पूरा डिटो आईफोन लगने वाला है. उसके साथ यहाँ जो मेन उसका रैम एंड रोम मिलता है ना यार, मतलब सही है. मतलब कैसे देखो, अगर आप एक नॉर्मल में बोल रहा हूँ, सही चीज क्या है ना, ये जो 2G वाला 32GB वाला जो वेरियंट है ना, काफी सही है. कुछ नहीं है, क्योंकि 2GB जो हमें रैम मिलता है वहां से हमें फ्री मेमोरी जो हमें मिलेगा, जो रैम हमें मिलेगा अराउंड 2GB में, हमें 1GB भी नहीं मिलने वाला है. अराउंड 500 और 600 MB रैम हमें मिलेगा. एंड जो 32GB है, 32GB से हमें लगभग एक 16GB के आसपास, 14-16GB ऐसे कुछ हमें फ्री स्पेस मिलने वाला है. सो ये फोन जो है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, अगर आप एक नया फोन खरीद रहे हो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, मेनली क्या हो जाएगा ना, आपको ये रैम और इंटरनल में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है. सो अगर आप मेमोरी कार्ड डालते हो, मेमोरी कार्ड एक्सपांडेबल भी है, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हो, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है. 256GB तक का मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हो फोन में, बट आपका यहाँ पर रैम थोड़ा आपको कम मिल जाता है. सो मैं तो यही बोलता हूँ कि काफी सही फोन है यार, खरीद सकते हो. बट अगर 4G वाला भी अगर वेरिएंट एक निकालता तो काफी बढ़िया होता यार, क्योंकि 2GB में उतना ज्यादा हमें रैम स्पेस, फ्री स्पेस जो रहेगा रैम का, उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा. सो उसी के साथ फोन तो ओवरऑल काफी बढ़िया है यार. जो कैमरा पीछे की तरफ दिया गया, जो फ्रंट कैमरा दिया गया है, काफी सही है यार. फेस अनलॉक भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है. एंड उससे भी और एक बढ़िया बात क्या है बोलूं ना, हम लोग का जो प्राइस सेगमेंट रखा गया है 7500 रुपीज प्राइस सेगमेंट, उसमें हमें डुअल 4G वोल्टी हमें देखने को मिल रहा है. क्योंकि क्या होता है ना, आमतौर से इस तरह का प्राइस सेगमेंट में बिलो 8000 में हमें डुअल वोल्टी देखने को नहीं मिलता है, लगभग तो नहीं मिलता है. एक ही सिम में आप 4G वाला सिम लगा सकते हो, दूसरा वाला जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली 3G 2G हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें दोनों ही जो सिम है, दोनों ही डुअल वोल्टी दिया गया है, वो एक अच्छा खासा है. प्राइस के हिसाब से काफी बढ़िया है. एंड जो बैटरी है वो भी मैसिव पावरफुल बैटरी दिया गया है, 5000 mAh का बैटरी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. एंड उसी के साथ भाई बैक का जो डिजाइनिंग है, काफी प्रीमियम डिजाइन है, बहुत ही कूल देखने को मिल रहा है. ओवरऑल अगर फोन के बारे में बताऊं तो फोन ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में, हमारा प्रोसेसर के मामले में, बैटरी के मामले में ओवरऑल टॉप क्लास है भाई. एंड सबसे बढ़िया चीज लगा मुझे प्राइसिंग का, क्योंकि इस बार पूरा जो रियलमी है बाजी मार गया भाई मार्केट में. क्योंकि 7500 रुपीज में इस तरह का स्मार्टफोन
एंड इस तरह का स्पेसिफिकेशन मिलना मीन्स थोड़ा तो अभी दिक्कत ही है। एंड रियलमी काफी सही मतलब स्मार्टफोन वो लॉन्च किया है इस टाइम पर, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है यार रियलमी C11। एंड उसी के साथ यहाँ पर फोन तो पूरा भर भर के फीचर्स है, हमें डुअल 4G भी देखने को मिल रहा है एंड और क्या चाहिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। कल मैं मिलता हूँ आपको विद अनदर न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।